हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने अपने पहले बजट सत्र में दो विधेयक पारित कर राज्यपाल की मंजूरी को भेजे थे, मगर इन्हें राज्यपाल ने रोक दिया है। इससे दोनों विधेयक कानून नहीं बन पाए। बजट सत्र में मुख्यमंत्री सुखाश्रय विधेयक 2023 और लोकतंत्र प्रहरी सम्मान विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया गया था। इसके बाद इन्हें राज्यपाल को भेजा गया। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना से जुड़े विधेयक को परीक्षण के लिए राज्य सरकार को वापस भेजा है। दो रोज पहले ही सचिवालय में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट अधिकारियों ने राज्यपाल की आपत्ति पर चर्चा की। अब इसे लॉ डिपार्टमेंट की राय को भेजा गया है। विधि विभाग की राय के बाद मुख्यमंत्री से भी इस पर चर्चा कर दोबारा राज्यपाल को भेजा जाएगा, ताकि बेसहारा और जरूरतमंद बच्चों की मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना को कानूनी रूप दिया जा सके। इस विधेयक के कानून बनते ही अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा मिल जाएगा और इनकी पढ़ाई लिखाई और पालन पोषण का खर्च सरकार उठाएगी। विधानसभा में इस बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी विधायकों ने सदन में वॉकआउट किया था। इसी तरह लोकतंत्र प्रहरी योजना बंद करने से जुड़े विधेयक पर चर्चा के बाद भी भाजपा ने सदन से नारेबाजी करते हुए बाहर चली गई थी और सुक्खू सरकार पर इमरजेंसी के दौरान जेलों में बंद लोगों का अपमान करने का आरोप लगाया था। तब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जब शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री थे तो बीजेपी को लोकतंत्र प्रहरी याद क्यों नहीं आई। जिन्हें लोकतंत्र प्रहरी कहा जा रहा है, वे एक नहीं बल्कि तीन तीन पेंशन का लाभ ले रहे हैं। इस योजना के तहत 12,000 से 20,000 रुपए की पेंशन दी जा रही थी। पॉलिटिकल और करोड़पति लोगों को लाभ देने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। इस पर अब राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने सुक्खू सरकार को कुछ बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट करने को बोला है। सोनी ज्वेलर्स, खास मौका हो और खास उपहार चाहिए तो आप अपने अपनों को खास बनाइए। सोनी ज्वेलर्स आपके शहर महतपुर में सोनी ज्वेलर्स ले आए हैं खास आपकी पसंद के हर प्रकार के आभूषण डिजाइन किए हैं। 916 हॉलमार्क में शुद्धता के साथ सोने चांदी व डायमंड ज्वेलरी खरीदने से पहले एक बार सोनी कॉम्प्लेक्स अवश्य पधारे। आपके विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक सोनी ज्वेलर्स, सोनी कॉम्प्लेक्स, मेन बाजार, महतपुर, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने अपने पहले बजट सत्र में दो विधेयक पारित कर राज्यपाल की मंजूरी को भेजे थे, मगर इन्हें राज्यपाल ने रोक दिया है। इससे दोनों विधेयक कानून नहीं बन पाए। बजट सत्र में मुख्यमंत्री सुखाश्रय विधेयक 2023 और लोकतंत्र प्रहरी सम्मान विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया गया था। इसके बाद इन्हें राज्यपाल को भेजा गया। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना से जुड़े विधेयक को परीक्षण के लिए राज्य सरकार को वापस भेजा है। दो रोज पहले ही सचिवालय में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट अधिकारियों ने राज्यपाल की आपत्ति पर चर्चा की। अब इसे लॉ डिपार्टमेंट की राय को भेजा गया है। विधि विभाग की राय के बाद मुख्यमंत्री से भी इस पर चर्चा कर दोबारा राज्यपाल को भेजा जाएगा, ताकि बेसहारा और जरूरतमंद बच्चों की मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना को कानूनी रूप दिया जा सके। इस विधेयक के कानून बनते ही अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा मिल जाएगा और इनकी पढ़ाई लिखाई और पालन पोषण का खर्च सरकार उठाएगी। विधानसभा में इस बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी विधायकों ने सदन में वॉकआउट किया था। इसी तरह लोकतंत्र प्रहरी योजना बंद करने से जुड़े विधेयक पर चर्चा के बाद भी भाजपा ने सदन से नारेबाजी करते हुए बाहर चली गई थी और सुक्खू सरकार पर इमरजेंसी के दौरान जेलों में बंद लोगों का अपमान करने का आरोप लगाया था। तब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जब शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री थे तो बीजेपी को लोकतंत्र प्रहरी याद क्यों नहीं आई। जिन्हें लोकतंत्र प्रहरी कहा जा रहा है, वे एक नहीं बल्कि तीन तीन पेंशन का लाभ ले रहे हैं। इस योजना के तहत 12,000 से 20,000 रुपए की पेंशन दी जा रही थी। पॉलिटिकल और करोड़पति लोगों को लाभ देने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। इस पर अब राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने सुक्खू सरकार को कुछ बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट करने को बोला है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पर भारत के साथ। न्यूज़ पर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित, सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ पर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ पर भारत, नया उभरता भारत, हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ पर भारत। न्यूज़ पर भारत से जुड़ने के लिए
फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज NSP News को।